हाउ मच योर फैमिली इज इनटू यूट्यूब, मतलब कभी घर वाले बोलते हैं, हमारे जैसे 12th में नंबर आते थे 80%, तो घर वाले बोले और शर्मा जी के बेटे को देखा है तू है, उसके 85% है, तेरे 80% है। आपको कभी मम्मी डैडी कभी बोलते हैं कि ओनू देखे, उसको देखे, उसके 8 मिलियन हो गए हैं, तेरे भी 8.5 मिलियन पे अटके हुए हैं, कई बोलते हैं? नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स स्पेशली माय मॉम इज अ ह्यूज फैन ऑफ यूट्यूबर्स ओवरऑल, मतलब सभी की बहुत बड़ी फैन, मेरे भी दिखाना वो सबको पक्का दिखा देंगे, फॉर ऑल यू नो शी ऑलरेडी इज अ फैन बिकॉज वो इतना देखती हैं कंटेंट ऑनलाइन ऑल द टाइम, उन्हें सब पता होता है। पर ये करने वाली बात जो है ना कि उसके देखो इतने हैं, फिर वो परसेंटेज हो या फिर सब्सक्राइबर्स हो, आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ना बचपन से ही कभी ये वाली बात हमारे घर में चली नहीं। तो अच्छा, कमिंग ऑन टू समथिंग रियली ब्यूटीफुल दैट यू हैव डन ऑन योर चैनल, यू क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन COVID-19, है ना, सो डिड दैट कम थ्रू समथिंग व्हिच ट्रिगर्ड यू, आई मीन डिड समथिंग बैड हैपन इन योर सर्कल अराउंड दैट टाइम, या फिर ये ऑन अ होल एज अ नेशन you figured that out? I mean overall only वो जो इस बारी जो second wave जो आई, I think हम सबके लिए only it was a very disastrous 2 months 3 months वो जो भी चला, we were all very personally affected, my family friends and I lost some very very close people in the past couple of months, और मैंने realize किया कि जब हम मेरी शॉर्टकमिंग ये आ रही थी ना कि जब भी कोई नई प्रॉब्लम दिखाई देती थी या फिर नई नया कोई टर्म आता था तो उसके बारे में कोई इजीली बात नहीं कर रहा था, मतलब सिंपल शब्दों में कि जो मेरे समझ आ सके, यू नो वो सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स आ रहे थे, हम ट्वीट्स देख रहे थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट बातें कर रहे हैं, पर मेरी समझ नहीं आती थी वो बहुत सारी बातें, जैसे जब म्यूकोमाइकोसिस के बारे में बातें होती थी, जब वैक्सीनेशन के बारे में बातें होती थी, इतनी सारी चीजें ना, छोटी छोटी जो सवाल मेरे होते थे कि फिर मैं कब कराऊं, तो मैं सोचते थे कि हर अलग बंदे से अलग बातें हो रही है, मतलब तो आई जस्ट वॉन्टेड, आई थॉट यू नो अगर मेरे पास मेरे को ये फील हो रहा है तो आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड वांट टू अंडरस्टैंड सिंपल टर्म्स इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ना हो और उतना ही समझे जितना हमें समझना जरूरी है, यू नो लेट्स नॉट ओवरबर्डन आवरसेल्फ विद इंफॉर्मेशन ऑल्सो ताकि वो फिर नर्वस ना करे हमें, तो उस टाइम पे फिर मैंने टीम से बात करी, मैंने कहा यार एक करते हैं ना कि 5 questions 10 questions ऐसे वाले, बस सिंपल सिंपल कैप्सूल्स बनाते हैं कॉन्टेंट के जिसमें नॉर्मल चीजें एक्सप्लेन हो जाए, एंड द टीम वॉज एबल टू गेट मी इन टच विद सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल जिन्होंने बहुत सुंदर काम किया है ड्यूरिंग दिस होल यू नो 2 साल हमारी जो ये फाइट चल रही है इन द पैंडेमिक, उन्होंने तो कुछ ऐसे लोग जो बहुत क्रेडिबल हैं जो जिन्होंने फर्स्ट हैंड हैंडल करी है चीजें, तो वेन यू हियर थिंग्स फ्रॉम देम इन अ सिंपल लैंग्वेज आपको भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है ओके, यू नो सो आई थिंक दैट वॉज वेयर इट केम फ्रॉम, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर टीम एज वेल यार, बहुत काम कर रहा है, या 100%।